हे गाइस, तुम सभी का स्वागत है दोबारा से स्पाइडरमैन की कौन न्यू वीडियो पे। वेल गाइस, आज मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ स्पाइडरमैन बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स, जो कि ऑफलाइन भी होने वाले हैं और ओपन वर्ल्ड भी होंगे, और उन सभी गेम्स को देखकर तुम लोग बोलोगे। तो कैसे जिन लोगों को स्पाइडरमैन के टॉप 10 बेस्ट एंड्रॉइड गेम्स डाउनलोड करने हैं, तो तुम लोगों को इस वीडियो को चेकआउट कर लेना चाहिए। इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि स्पाइडरमैन के टॉप 10 गेम्स कैसे डाउनलोड करने हैं, और उन सभी गेम्स की लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगी, तो जाकर तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो एंड वीडियो को जाकर चेकआउट करो। नहीं बेसिकली इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ स्पाइडरमैन टॉप 7 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स, जो कि ऑफलाइन गेम्स भी होने वाले हैं। उसमें कुछ गेम्स तुम लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गेम्स ऑफलाइन ही मिलने वाले हैं। बेसिकली गाइस, तुम लोगों को पता ही होगा कि मैं 10 डेज के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, तो शॉर्ट आउट टाइम तो बनता ही है। तो गाइस, तुम लोग देख लो इन लोगों को शॉर्ट आउट मिला है, और तुम सभी का यार शुक्रिया, और मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, उसके लिए सॉरी। और गाइस, यार अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स रेडी फॉर द वीडियो। बेसिकली गाइस, टॉप 7 पर है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। बेसिकली गाइस, ये गेम तुम लोगों को फुली ओपन वर्ल्ड गेम मिलने वाला है। इस गेम में तुम्हें बहुत सारे लेवल्स रहेंगे डिफरेंट, उन सभी को तुम्हें कंप्लीट करना है और अपने लेवल्स को कंप्लीट करना है। बेसिकली गाइस, ये गेम तुम लोगों को ओपन वर्ल्ड तो मिलेगा ही, अगर तुम लोगों ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी देखी हो, एकदम सेम वही स्टोरी होने वाली है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अगर हम लोग बात करें इस गेम के मेन विलन के बारे में, तो मेन विलन तुम लोगों को लेजर्ड को हराना है। इसको हराना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो जाकर इस गेम को डाउनलोड करो, इस गेम की फाइल तुम लोगों को मिल जाएगी 1.5 GB, एंड ये गेम तुम लोगों को ऑफलाइन भी मिलने वाला है। तो एंजॉय करो इस गेम को, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। बेसिकली गाइस, टॉप 6 पर है स्पाइडरमैन टोटल माइम। बेसिकली गाइस, ये गेम तुम लोगों को स्टोरी बेस्ड का गेम मिलने वाला है। जैसे तुम लोग स्टोरी को कंप्लीट करोगे, तुम्हारा गेम एकदम ओपन वर्ल्ड की तरह तो चल नहीं पा रहा है, लेकिन ये गेम तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मिल जाएगा। बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत सारे फाइटर्स मिल जाएंगे, उन सभी से तुम्हें फाइट करना है, और सबसे अच्छी बात ये है कि तुम्हें स्पाइडरमैन के टॉप 5 विलन्स मिल जाते हैं। बेसिकली राइनो जैसे, बैनम जैसे, गॉब्लिन जैसे पावरफुल विलन्स मिल जाते हैं, उन सभी को तुम्हें नॉकआउट करना है, अपने गेम को विन होना है। बेसिकली गाइस, इस गेम की फाइल तुम लोगों को 350 MB आसपास मिल सकती है, एंड ये गेम तुम लोगों को ऑफलाइन मिलने वाला है, तो इस गेम को डाउनलोड करो। बेसिकली गाइस, टॉप 5 पर है स्पाइडरमैन सैटरडे डायमेंशन। गाइस, ये गेम तुम लोगों को टॉप लेवल का गेम मिलने वाला है। ये गेम तुम लोगों को ओपन वर्ल्ड तो मिलेगा ही, इस गेम में तुम्हें टॉप लेवल के विलन्स भी मिलने वाले हैं, जिनको देखकर तुम भी बोलोगे असंभव। इस गेम में तुम लोगों को अलग अलग डायमेंशन के स्पाइडरमैन मिल जाएंगे, जो कि तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं टॉप 5 विलन्स को हराने के लिए। तुम लोग जानते हो कि इस गेम में कितने पावरफुल विलन्स आने वाले हैं, तो जाकर गाइस इस गेम को डाउनलोड करो। इस गेम की फाइल तुम लोगों को मिल जाएगी 1 GB, एंड ये गेम तुम लोगों को वर्क होने वाला है डॉल्फिन एमुलेटर में। चीटिंग करता है तू। तो जाओ यार इस गेम को डाउनलोड करो, एंड इस गेम को एंजॉय करो खेलकर। बेसिकली गाइस, टॉप 4 पर है मार्वल फ्यूचर फाइट। गाइस, इस गेम में तुम्हें अलग डायमेंशन के स्पाइडरमैन तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ इस गेम में तुम्हें न्यू अपडेट्स भी आते रहते हैं। इस गेम में तुम लोगों को सुपर हीरोज की टीम बनाकर फाइट करना पड़ेगा अपने टॉप 5 विलन से, एंड ये गेम तुम लोगों को ऑनलाइन मिलने वाला है। ये गेम तुम लोगों को ओपन वर्ल्ड भी मिल जाएगा। इस गेम की फाइटिंग सीन्स लोगों को तो बहुत ही ज्यादा मस्त मिलने वाली है। इस गेम में तुम्हें स्पाइडरमैन के अलग अलग कॉस्ट्यूम्स मिल जाएंगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो कैसे इस गेम को जाकर डाउनलोड करो, इस गेम की पूरी फाइल मिलने वाली है 3 GB, एंड ये गेम तुम लोगों को ऑनलाइन मिलने वाला है। इस गेम में तुम्हें मार्वल के सारे सुपर हीरोज मिल जाएंगे, तो जाकर इस गेम को खेलो और एंजॉय करो, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। तो कैसे टॉप 3 पर है स्पाइडरमैन एज ऑफ टाइम। बेसिकली गाइस, ये गेम तुम लोगों को ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस तो देगा ही, इस गेम की फाइटिंग सीन्स बहुत ही ज्यादा मस्त है, क्योंकि इस गेम में तुम्हें सबसे ज्यादा फाइटिंग सीन्स भी मिलने वाले हैं, एंड इस गेम में तुम्हें टॉप 5 विलन्स मिल जाते हैं, जिनको तुम लोगों ने देखा भी नहीं होगा। तो तुम लोग बोल सकते हो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बात करें इस गेम के बारे में, तो इस गेम की स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। इस गेम में तुम्हें सबसे पहला स्पाइडरमैन मिल जाएगा, जिसे तुम्हें फाइट करना है, उसे दोस्ती भी करनी है, एंड तुम्हें फाइनल में जाकर और डॉक्टर ऑक्टोपस को हराना है और अपने गेम को विन होना है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। बेसिकली गाइस, इस गेम को जाकर डाउनलोड करो, इस गेम की फाइल तुम लोगों को 1.3 GB मिल जाएगी, एंड ये गेम तुम लोगों को डॉल्फिन एमुलेटर में वर्क होने वाला है। चीटिंग करता है तू। बेसिकली गाइस, अगर डॉल्फिन एमुलेटर में गेम्स को प्ले करना नहीं आता, तो तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर्स बता देंगे कि डॉल्फिन एमुलेटर में गेम्स को कैसे प्ले किया जाता है। तो जाकर वीडियो देखो और चेकआउट करो और गेम्स को प्ले करो यार। तो कैसे आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो। लाइक हम लोग रखने वाले 200 का, तो वैसे यार तुम लोग कंप्लीट कर ही देते हो। बेसिकली गाइस, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो, तो तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो। किया गया और भी सारी वीडियोस आती रहे, वो भी स्पाइडरमैन की नहीं।
बेसिकली गाइस अगर तुम लोग स्पाइडरमैन के अलावा और किसी भी गेम्स के फैन हो तो तुम लोगों को और भी सारी वीडियोस मिल जाएंगे चैनल पे, तो जाकर चेकआउट करो एंड सारे गेम्स को डाउनलोड करो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ यार। बेसिकली गाइस टॉप टू पर है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। बेसिकली गाइस ये गेम तुम लोगों को फुली ओपन वर्ल्ड गेम मिलने वाला है। तुम लोग देख ही रहे हो यार, इस गेम में तुम्हें अलग अलग स्पाइडरमैन के सूट्स मिल जाएंगे, वेनम के भी सूट्स मिल जाएंगे। इस गेम में तुम्हें टॉप 5 विलन्स को भी हराना है यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर तुम लोगों ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 अगर मूवी देखे हो तो एकदम सेम वही स्टोरी होने वाली है। एंड इस गेम में तुम्हें वेनम, ब्लैक कैट जैसे पावरफुल विलन्स को हराना है एंड गोब्लिन को भी। तो तुम लोग सोच सकते हो ये गेम कितना ऑसम होने वाला है। तो कैसे इस गेम को जगह डाउन करो, इस गेम की फाइल तुम लोगों को मिल जाएगी 800 एमबी एंड ये तुम लोगों को ऑफलाइन मिलने वाला है यार। तो तुम लोग क्या सोच रहे हो, जाकर इस गेम को डाउन करो एंड एंजॉय करो। बेसिकली गाइस टॉप 1 पर है मार्वल फ्यूचर रिवॉल्यूशन एंड ये गेम तुम लोगों को फुली ओपन वर्ल्ड गेम मिलने वाला है। उसके साथ साथ ये गेम तुम लोगों को सबसे ज्यादा फाइटिंग सीन्स में भी बहुत ही ज्यादा मस्त मिल जाएगी, क्योंकि इस गेम की ग्राफिक्स इतनी ज्यादा मस्त है कि तुम लोग बोलोगे। अगर कैसे तुम लोगों ने स्पाइडरमैन की कॉमिक्स या फिर मूवीज देखे हो, वो सभी कैरेक्टर्स गेम के अंदर मिल जाते हैं। एंड स्पाइडरमैन के जितने भी सूट्स हैं यार, या फिर वेरिएंट्स हो, चाहे स्पाइडरमैन के सूट्स हो, वो सभी सूट्स इस गेम के अंदर मिल जाते हैं। और तुम लोगों को मैं बता दूं, इस गेम के अंदर अल्टरनेट टाइमलाइन की भी स्टोरीज इस गेम के अंदर मिल जाती हैं। एंड इस गेम के अंदर तुम लोगों को स्पाइडरमैन के टॉप 5 नहीं टॉप 10 विलन्स मिल जाते हैं यार। बेसिकली गाइस इस गेम को जगह डाउनलोड करो, इस गेम की फाइल तुम लोगों को मिल जाएगी 6 GB MB एंड ये गेम तुम लोगों को ऑनलाइन मिलने वाला है। बेसिकली गाइस इस गेम के अंदर एक प्रॉब्लम है, ये गेम तुम लोगों को 8 GB RAM एंड 6 GB RAM के अंदर प्ले होने वाला है। तो जाकर इस गेम को डाउनलोड करो। चीटिंग करता है तू। बेसिकली गाइस टॉप 7 गेम्स कंप्लीट होते हैं। बेसिकली गाइस अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, लाइक किया तो तुम लोगों को पता ही है। और गाइस अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो, किया गया और भी सारी वीडियोस आती रहे। और गाइस अगर तुम लोगों को स्पाइडरमैन के और भी सारे गेम्स डाउट करने हैं तो चैनल पे वीडियोस हैं, तो जाकर चेकआउट करो। और गाइस सभी गेम्स की लिंक तुम लोगों को कमेंट सेक्शन पे मिलने वाली है, तो जाकर गेम्स को डाउनलोड करो। एंड हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो पे, तब तक लिए बाय बाय।